फोन आ रहा है। पीछे से हट जाओ ना जरा, बोल सर राइट में भी है वीडियो के लिए। बाबा भाई हाँ क्या जो थोड़ी पहुंचे इसको लगाना पड़ेगा, लगा रख दो उधर रख दो फिलहाल उसमें एक Hi. लोग पसंद करें सबसे पहले वो, और फिर उसके बाद फिल्म फेयर का अवार्ड मिलना ऑफकोर्स खुशी की बात है। और हमने बड़े प्यार से एक बहुत घर के जैसा सबने कहा कि तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, और सब एक साथ मिलकर ये फिल्म बनाई है और उसे इतना सारा प्यार मिलना, सो वी आर लाइक सेलिब्रेटिंग इट टुडे। एंड सब जिनको हम बहुत प्यार करते हैं बहुत चाहते हैं वो सब आज हमारे साथ इस खुशी में शामिल हैं, सो प्लीज़ करें। देखिए मैं जो फिल्म करती हूँ उसके साथ अच्छा ही होता है मोस्टली, क्योंकि इंट्यूशन से करती हूँ। एंड इसमें ज्योति ने एक दिन सुबह सुबह मुझे वीवो प्लानिंग कि हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करना है, एंड शी कॉल्ड मी अर्ली मॉर्निंग कि दिव्या बड़ा मज़ेदार आइडिया आया है दिमाग में, एंड देन वी सैट एंड वी डिस्कस्ड इट, एंड फिर गुनीत आ गई और फिर भुवन आ गया, तो सब एक साथ हो गए और मुझे लगता है कि वो कारवां बनता गया वाला एक बहुत प्यारा सा कारवां हमारा बन गया। है ना कमाल की बात, सो प्राउड ऑफ कि आप ऑस्कर भी ले रहे हैं और फिल्म फेयर भी ले रहे हैं और कुछ ही उसमें वक्फे में, एंड आई जस्ट होप जैसा कि गुनीत खुद कहती हैं कि अभी तो हमारी शुरुआत है, तो आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू विन अ लॉट मेनी मोर। अब मैंने शुरू किया, जब मैंने फाइनली शूट किया तो मैंने कहा ये करना चाहिए, इट रियली वर्क्स। मतलब फिर आपको लगता है कि मैं क्यों मतलब किसी को किसी से झगड़ा कर रही हूँ या ऐसे हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत, बिकॉज जो आपके करीब के हैं उनके प्लस पॉइंट्स हमेशा आपको ज़्यादा लगेंगे। थैंक यू। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है रणवीर शौरी के साथ टेनिस बडीज, उसके बाद में मानव कौल के साथ एक फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है म्यूज़िक टीचर, फिर मलाला पर बायोपिक है, फिर एक थ्रिलर है अरशद वारसी जूही चावला के साथ, फिर अनुभव सिन्हा का सटायर है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिर नितिन कक्कड़ की नेक्स्ट फिल्म है राम सिंह चार्ली, एंड देन एक और बच्चों की फिल्म है झलकी। सो या थैंक यू। Thank you so much. Thank you. It's unreal, right? मतलब no one ever dreams of this thing, but it happens. आप ड्रीम करने को कुछ भी कर सकते हो ड्रीम। मेरे को कल चांद पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँ? बट सक्सेस के बारे में ना सोचना, दैट अट्रैक्ट्स इट। अगर आप बोलोगे कि मुझे सक्सेस होना है, होना है, हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, उसको करने के लिए जो करना चाहिए, उसको पाने के लिए जो करना चाहिए वो कर ही नहीं पाओगे आप कभी। वेरी सून, अभी तो ऐसा कुछ हार्डकोर बॉलीवुड करने का एजेंडा नहीं है, अभी यूट्यूब ही है सब कुछ, तो अभी देखते हैं जैसे प्लस माइनस है वैसे ही वी कैन वर्क ऑन मोर। जी जी जी, और साथ ही में ये फिल्म इससे भी आपको बहुत सारा प्यार मिला, तो एक्सपेक्टेड था ये चीज़ कि मतलब इतना कुछ होगा? नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बीवी की वाइंस में करता हूँ, ये कुछ पहला ऐसा चीज़ था जो आउटसाइड ऑफ बीवी की वाइंस था, थोड़ा हटके था, सीरियस था थोड़ा,
तो एंड आई एम ग्लैड पीपल एक्सेप्टेड इट. और जिस तरह का प्यार मिला है वो उस दिन स्टेज पे पता लग गया जब वो डेडी हाथ में आई. तो अभी तो कुछ आइडिया नहीं था. ये शॉर्ट फिल्म का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर. जी जी सब लोग आजकल प्लस माइनस पॉइंट्स बनाते हैं. हाँ जी. आप भी जिंदगी में बनाते हैं ना? मैं माइनस बहुत बनाता हूँ. थोड़ा मेरा दिमाग उस दिशा में जाता है कि क्या क्या खराबियाँ चीज़ों में. बट थोड़ा क्रिटिकल हूँ मैं. प्लस भी कर लेता हूँ कभी कभी. ओके गुन्नी जी ने यही एक ही मंथ में ऑस्कर और फिल्म फेयर दोनों ही जीते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे गुन्नी ने जो इनिशिएटिव जो लाते हैं पर्दे पे जो कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है लोगों में वो क्या कहना चाहेंगे? शी इज द बॉस. मतलब मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो हम हरामखोर के प्रमोशन के टाइम मिले थे. उनकी जब मूवी आई थी तब हम मिले थे. उसके बाद हम मिलते रहे. फिर हमने आइडियाज़ एक्सचेंज किए. फिर प्लस माइनस आ गया हमारी लाइफ में. प्लस माइनस पे काम किया. वी स्पेंट मोर टाइम टुगेदर. देन जब उन्होंने बताया कि वो ऑस्कर जीत गए हैं. ऑस्कर के दो दिन पहले हम लोग साथ में थे एलए में. तो उन्होंने कहा था कि हम बड़े नर्वस हैं. हमने कहा हम इतने एक्साइटेड हैं. आपसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हम हैं. और हमें लग रहा है कि घर आने वाला है ऑस्कर. घर आने वाला है. तब उन्होंने बोला था कि पहली फ़ोटो जब जीतूंगी तेरे को भेजूंगी. तो रात को मेरे को एकदम टेक्स्ट आता है फोटो का कि वी वन. तो दैट्स अनरियल. मतलब शी इज़ मेड इट. शी इज़ मेड एवरीवन प्राउड. फैनफेस्ट क्या मतलब होता फन है काफ़ी ज़्यादा. क्योंकि एवरी ईयर जनता डबल होती जा रही है. लास्ट ईयर वी हैड 9,000 पीपल. इस साल 15,000-16,000 लोग एक्सपेक्टेड है जियो गार्डन्स में. तो अभी वो नर्वसनेस है ही. अभी से ही शुरू हो गया हाथ पैर का अपने. तो देखते हैं क्या है. मतलब सही है. सारे यूट्यूबर्स एक ही स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं. कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं. तो मज़ा आने वाला बहुत. सरप्राइज है. किसी को यूट्यूब पर नहीं पता कि मैं क्या करने वाला. बट या मज़ा. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. Come, guys. We're doing like talks and all. We're doing talks and all. Rose. Nidhi. We did snows. We did snows. We did Nidhi. Well, yeah. Arindu, talk. Send Hasri outside. I'm like, you've done talks? Yep. Arre, talks. That is Jyoti, the writer director. And ये इनका दूसरा film fair है. इन्होंने चटनी बनाई थी जिस पर भी इनको एक best film मिला. Yeah. And now we made plus minus together with Bhuvan and Divya. So yeah, thank you guys. Thank you everyone. Yeah, thank for you coming. So much for coming. Yeah. Thank you. Yeah, yeah. I think Oscar was quite an epic experience. Matlab no short of an epicness that just happened. At least hamari industry mein sabse bada award Oscars hai and best film to pehli baar jeeta hai. Short ke liye jeeta but shuruaat hai. We were able to get a trophy home. So it has been quite overwhelming to say the least just very grateful and very humbled and I hope we can keep doing this and we can continue the winning streak. But I have to say that even after the Oscar it was great, but also winning the film fair in like couple of weeks after, yeah, pretty much for another short film, I was just like the home ground win is the most exciting. So it's great. I mean, yeah. Okay, apne team ko kitna credit dena chahiye?
पूरा पूरा क्रेडिट. ऑफ कोर्स प्रोड्यूसिंग आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसिंग इज एन आर्ट. इट इज इक्वली एन आर्ट. इट्स एन आर्ट एंड अ क्राफ्ट. या सो स्ट्रक्चरिंग प्रोड्यूसिंग इज एन आर्ट एंड मैं उसमें बहुत I work a lot in thinking on how we are putting this film together and how we are positioning it to the world. So it's good to be acknowledged because Best Film is actually producing awards. So it's good to be acknowledged. But it is, I don't think filmmaking is a single person job. It is a fully collaboration job. And I've been very fortunate with great teams, with very good directors, with very good women directors, women writer directors. In fact, even period end of sentence was Raika and Jyoti Kapoor Das for plus minus. So, kahin na kahin ko, I'm very very proud that we were able to do this all as a team. Yeah. Okay, ma'am. Aap se janna chahiye plus minus ka ye jo idea tha, wo kahan se aaya? वो actually मैं उसका कोई credit नहीं ले सकती क्योंकि मुझे किसी ने हरभजन सिंह के बारे में बोला और उन्होंने पूछा आपको हरभजन सिंह पता है. मैंने कहा वो क्रिकेटर ना हरभजन सिंह है. लाइक अच्छा गूगल कर लो एंड गूगल कर लो आर्मी हरभजन सिंह. तो जब गूगल किया तो ऑब्वियसली पता चला कि ये शख्स कौन है, कौन थे, इनकी स्टोरी बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये. और मैंने हाल ही में मेरी मदर इन लॉ को खो दिया था तो वो जो एक मेरा एक ग्रीफ था उसके साथ में मिल के पता नहीं एक यूनिवर्स जस्ट गिफ्टेड मी एक स्टोरी जो लिटरली मतलब मैं इसका बिल्कुल कोई श्रेय नहीं ले सकती. ये जस्ट आया एक तोहफे की तरफ तरह और मैंने टाइप कर दिया, लिख दिया, गुनीत को सुनाया. गुनीत जस्ट व्हाट शी सेइंग प्रोड्यूसिंग यू नो पुट इट ऑल टुगेदर. तो हम जब सोच रहे थे कि हरभजन कौन प्ले करेगा, दिव्या और मैं तो बहुत दिनों से सोच रहे कि हम कुछ करें साथ में. शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. गुनीत हैज़ बिन वॉन्टिंग टू वर्क विद हर. जो सिनर्जी है हम तीनों में एक दोस्ती वाली, जो हमको पता है कि प्रोफेशनली बहुत मज़ा आएगा काम करने में. कोई ईगो प्रॉब्लम्स नहीं है. कोई यू नो नोबडी इज इनसिक्योर इन देयर. सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट. और हमने लिटरली ये शूट दो दिन में ख़त्म की. इट वाज अ रियली टफ शूट. हमने एक्चुअल वाकई में ट्रेन्स में शूट किया, स्टेशंस पे शूट किया, बाकायदा मतलब यू नो इन भुवन के डेट्स लेकर, दिव्या के डेट्स लेकर, राज सिंह चौधरी जो लास्ट आपने शायद गुलाल से आपको याद होगा वो एक्टर और वो भी दोस्त है हमारा, तो सारे हमने बेसिकली दोस्तों को बुला लिया कि भाई हमारा बजट बजट कुछ नहीं है, प्यार से करना है, चलो कर लेते हैं. जितने जो भी पैसे हैं वो सब प्रोडक्शन में जाएगा, अच्छा सब दिखे, बाद में देखते क्या होता है. और जो नियत बनाने में थी वो शायद कहीं कम्युनिकेट हो गई ऑडियंस तक, वो कहीं छू गई बात. और बस मुझे लगता है वो पिक्चर की किस्मत हो जाती है कि आप जिस नियत से बनाते हो वो निकल जाए. पर मुझे हमेशा से लगता है कि हम लोग नहीं क्रेडिट ले सकते हैं फिल्म का. ऑफ कोर्स हमने बनाई और उसका जरिया बने, बट हमें कहीं ना कहीं स्टोरीज चूज अस और हमें जरिया चूज किया जाता है एज स्टोरी टेलर्स. इवन ड्यूरिंग लंच वॉक्स एंड यू नो मसान एंड आई हैव ऑलवेज ऑलवेज सेड दिस दैट जस्ट आई होप गुड स्टोरीज चूज अस एज मीडियम्स टू बी टोल्ड इन द यूनिवर्स. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. Absolutely. I think with the digital boom happening, we just got started. I mean, of course, with Filmfare, including short films as a category, I just think with the consumption of mobiles has increased 500% with high speed data, with Jio coming in. So the digital boom clearly leads to more content, and short form content is more easily consumed. And people are consuming it on mobiles, on tablets, on computers, on everywhere. And it is I think it is here to stay, and we just got started. Yeah. I just think ki jo kahaniyan hum bana sakte hain short format mein, bahut zyada azadi hai humko. Jaise Guneet ne abhi kaha ki humko kahaniyan chunti hai, hum kahaniyan nahi chunte. To jo waqai mein actual hai, matlab bahut hi philosophical baat lagegi ye kehne mein, lekin aap kisi bhi sincere writer director technician se baat kare to wo kahenge aapko ki yahi baat hai.
कहानियाँ हमको चुनेंगी और वो कहानी कहने का हमको एक क्या कहते हैं प्रिविलेज मिलता है यू नो कि वी प्रिविलेज टू टेल दो स्टोरीज और अलग अलग कहानियाँ कह सकते हैं क्योंकि इतनी बजट्स नहीं होती इतना रिस्क नहीं होता तो आप खेल सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन वर्क विद सो मच टैलेंट आई मीन डायरेक्टर्स एक्टर्स सिनेमाटोग्राफर्स आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑल्सो जनरली वी आई मीन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट प्रोड्यूसिंग 18 फर्स्ट टाइम डायरेक्टर मूवीज बट डूइंग फीचर फिल्म्स एंड ऑफकोर्स देन यू नो वर्किंग विद अ भुवन एंड जस्ट इट्स बीन अमेजिंग टू एक्चुअली मिक्स द फिल्म वर्ल्ड एंड the superstar yeah. of the digital YouTube yeah. world so it's been quite an epic journey and that's how I think as a team we've reached here so yeah yes first of all thank you Bollywood mein to aapko bahut pyar mila now you are debuting in Tamil also yes so how excited are you for Tamil very we start shoot next week very excited in fact one of our producers is in Chennai he can't be celebrating yeah, with us my producing partner Achin Jain is in Chennai holding fort main ja rahi hu so it's a new world and hum log ek saal se script par kaam kar rahe hain with Sudha again a woman director which I'm so excited about Sudha Kongar so I think the universe is choosing me to write a story joining the dots So how do you feel? I very humbled and I don't want to take this for granted I don't ever want to take my audience for granted and we just got started I mean I think at Sikhya yeah. we just want to continue telling more stories and aligning with amazing yeah. talent so yeah okay ma'am there is also news after Haram for your doing a movie with Priyanka Chopra is it true like Priyanka so firstly I think it'll be my honor to work with Priyanka Chopra she's been an incredible motivator and in a person I look up to I've met her many times in LA and the way she has she's positioned and the way she has added a lot of weight and power in my thought process of doing more films so we have met we've spoken and it's a dream it'll be a dream to work with her it is not something tangible that main bol rahi hu ki hum ye kar rahe hain but it'll be an epic dream and hope one day I get to work with the firebrand the epic amazing person that she is and I think she's made all of us proud yeah. so I have got to learn a lot from her she's a full powerhouse so yeah she's you know I've said in the last few months I've also seen in fact with period end of sentence I've seen a complete journey where one woman has empowered another mm-hmm. you know with Raika screaming out my name at the Academy Awards or Jyoti yeah. or just it has been a certain uprising and I just feel we keep going so yeah thank you so everyone thank for you. Coming here yeah. and please have some khana please be here for our celebrations so thank yeah. you Thank you. And we Thanks. Want to call Divya. Divya. Do you want to take her solo or we Acha you've done. Oh. Oh shit. Oh, one. Also get the Sikhya board. Chief Prince, yeah. This is my Chief Prince. Yeah. No, no, no.
Super. Thank you so much. Thank you so much. बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे, हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत दिल को छूने वाली फिल्म है। गुनीत और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने एक फिल्म की थी साथ में मॉनसून शूट आउट जो कांस गई थी और 2017 में रिलीज़ हुई, तो मैं तो बस उनको लिए चीयर करने आया हूँ, सेलिब्रेट करने आया हूँ उनके साथ में। थैंक यू। किस में देखेंगे आप? मुझे देखेंगे मेरे ख्याल से बमफार्ड नाम की फिल्म आएगी, ये अनुराग कश्यप सर प्रेजेंट करने वाला है इस साल का भी, और एक शो कर रहा हूँ इम्तियाज़ अली जी के साथ में, वो आएगा। थैंक यू। थैंक यू।